हजरत किबला जलालुद्दीन खिरज रूमी शाह केलाबाड़ी दुर्ग का 5 दिवसीय उत्पाग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न जगहों से जायरीन आकर हजरत की दर पर सलामी देने वाले भारत के विभिन्न जगहों से यहां पहुंच आस्थाने में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में दरगाह में पहले दिन से मिलाद शरीफ और नातिया मुशारा हुआ। जिक्र अस्कार व महफिले सीमा दरगाह शरीफ से चादर व संदल निकाला गया। साथ ही रविवार की सुबह कुल शरीफ की फातिहा हुई। इसके साथ ही सोमवार यानी कल उर्स पार के अंतिम दिन संदल व दुआएं खैर की जाएंगी। इस अवसर पर इकरामुद्दीन आरिफ ने बताया कि इस उर्स पार के कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बाबा साहेब के श्रद्धालु व शिष्यगण हिंदू मुस्लिम सभी धर्म व सभी उम्र के महिला पुरुष व बच्चे बड़े बूढ़े शामिल होकर अपनी मुराद पाते हैं। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष बाहर से आए जायरीनों ने हजरत की निस्बत में अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। हमारे हजरत का नाम जिनका उर्स चल रहा है ये 44वां उर्स है। आपका पूरा नाम हजरत ख्वाजा जलालुद्दीन खिज रूमी है। आप भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रहते हुए मखलूक की समाज की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दिया था उन्होंने। और यहाँ आप ये देखेंगे कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं, अपने दुनियावी मकसद को भी लेके आते हैं, तो इनकी दुआओं से वो कामयाब होकर जाते हैं। इसलिए तमाम लोग आज देखिए महाराष्ट्र से आए, यूपी से आए, भोपाल से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं महज इसलिए इनकी यहाँ आके इनका काम तो पूरा होता है, साथ में सेवा और मोहब्बत जो मिलती है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी दरगाह में नहीं मिलती। और हमारे साहिब सज्जादा सफीउद्दीन सादी मियां इस तरह से रात दिन यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं बाहर से आने वालों को, कि ऐसी खिदमत आप कहीं नहीं देखा जा सकता। ये 44वां उर्स है। हम दुआ करते हैं आपके जरिए और लोगों को बताते हैं कि सुकून अगर चाहिए तो केलाबाड़ी में वो लोग आए और हमारे सज्जादे की खिदमत में रहे। बहुत उनका दिन दुनिया पूरा काम आज इस तरह तो उनका मकसद ही है समाज में बेहतर लोगों को लाना। हरे कृष्णा अग्रवाल कटनी से आए हुए हैं और हमारी निस्बत यहाँ दुर्ग शरीफ में कई सालों 30 साल से ऊपर हो रहा है। और इतने सालों में सिर्फ एक चीज़ ये देखने मिली कि यहाँ दिलों को मिलाने का काम किया जाता है और कौमी एकता की जीती जागती मिसाल हमारे हुजूर हैं। यहाँ ना कोई जात पूछी जाती, ना पात पूछे जाते, एक थाली में सबको बिठा ले जाया जाता है। और इनकी संगत सोहबत की बात ये है, हर धर्म में हिंदू, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में है, एक साथ सोहबत व औलिया बेहतरस साल है इबादत बेलिया। इसका तर्जुमा है एक लम्हे की बुजुर्गाने दिन की सोहबत सैकड़ों साल की बेलिया इबादत से बेहतर है। हिंदू धर्म बोला है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साथ की हरे कोटा प्रा, एक घड़ी आधी और उससे भी आधी अगर संत के करीब बैठ ले। यहाँ के बाद हर एक जिनके ईमान की जमीन बंजर होती है यहाँ आने के बाद खुद ही इंसान यहाँ पर यहाँ की हरियाली मोहब्बत और इंसान को जीने का सलीका मैसर होता है। खुद हम अभी बताएं इससे कब जब तक कि यहाँ नहीं आए हमारे दादा हुजूर ने सरकार ताज मोहब्बत आलम बना हुजूर जलालुद्दीन खिजर रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दया और मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाती है हमारे मुर्शिद के तवसुल से। और यहाँ आने के बाद हमें हर हाल में पूरा साल ऐसा गुजरता है कि बस दिल को जो चाहिए वो मिलता है। और दिल मेरा नाम है के तिवारी और मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पिछले 46 साल से यहाँ आ रहा हूँ और जो यहाँ पे बाबा जी हैं जिनका दरगाह है उनका मैं शिष्य हूँ। पूरे 46 साल मेरे को हो चुके हैं और उनकी जो दया और कृपा है और उनसे जो मोहब्बत मिली है वो उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं की कृपा से हम लोग सब यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं रहती है और बहुत अच्छा माहौल। सबसे खास बात तो
बाबा जी जो हैं हुजूर, उनकी जो मोहब्बत है ना वो बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात वो मोहब्बत है जिसने हमें खींचा यहाँ पे, और उसके सहारे, और जैसे गुरु अपने होते हैं तो हम तो गुरु के रूप में उनने हमको उनने अपना शिष्य बनाया है, हमने उनको अपने गुरु के स्थान दिया है, सदगुरु के रूप में उनको हमने माना है, और सदगुरु से जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो सारी अपेक्षाएं हमारी बाबा जी के माध्यम से पूरी होती हैं। उसमें हमारे उपाध्य सूफी जलालुद्दीन खिजर रूमी हुजूर शाह का 44वां उर्स पाठ, और ये उर्स पाठ हजरत कबीला सफीउद्दीन सादी मियां जो इस समय गद्दी नसीम सज्जादे साहिबान में उनकी निगरानी में उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक सम्पन्न हो रहा है। इसमें पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी इस उर्स पाठ में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रेम पूर्ण सद्भावना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल हारमोनी का, ये इस समय विश्व में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे हमको घर में रहने के लिए शांति और सुकून चाहिए, प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत के बारे में हुजूर ने इसको बड़े अंदाज में फरमाया है अपनी मुबारक जुबान से कि मोहब्बत मानिए अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो दौलत है जो समझी जाती है समझाई नहीं जाती। आगे हुजूर ने, बाबा जी ने, हमारे हजरत रूमी शाह साहब ने इसको और क्लैरिफिकेशन किया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।